पिथौरागढ़ का थरकोट गांव, जहां ये गांव अब भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। 3000 आबादी वाले इस गांव में जरूरी सुविधाओं की कमी के चलते लगातार पलायन जारी है और ग्रामीणों के मुताबिक 5 साल बाद भी इस गांव की सूरत नहीं बदल पाई। थरकोट गांव के लोगों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कोमल मेहता ने। नमस्कार, हम पिथौरागढ़ जिले के पिथौरागढ़ विधानसभा के एक दूरस्थ गांव थरकोट में हैं। थरकोट की जनता से हम रूबरू होंगे, थरकोट की जनता से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि चुनाव नजदीक है, फिर आपके पास सियासतदान आएंगे, वोट मांगने की बात करेंगे, आपका पैमाना क्या होगा? हर बार यही सरकार ये कहती है कि प्लान मत करो, अब शिक्षित बेरोजगार हैं तो अभी यहाँ कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है और मार्केट के इतने नजदीक गांव हमारा है जिसमें कोई साधन नहीं है। अभी इससे दूर दराज के गांव ऐसे हैं जिनके पास हर कुछ साधन है और हर कुछ वहाँ पहुँच चुका है और हमारे यहाँ मार्केट के नजदीक होने के बावजूद भी पीछे का पीछा रह चुका। और ये समस्या पानी की समस्या है हमारे यहाँ गाँव में, और यहाँ भी यहाँ तक तलीदार का पानी आया था, यहाँ की मार्केट में बहुत परेशानी है हमारे। आपका क्या पैमाना रहता है, आप क्या सोचते हैं कि आप कैसा विधायक चुने, आप जो वोट दें, आपका वोट चुन के जब विधायक विधानसभा में जाते हैं आपकी समस्याएं कितना समाधान होता है, क्या आपके गांव की स्थिति है? नहीं हुआ, कुछ समाधान नहीं हुआ। हम सोचते कि अपने गाँव में रास्ता बने, पानी आए, बच्चों के लिए सुविधा हो, कुछ नहीं हुआ अभी तक। न पानी है पीने के लिए, न रास्ता बने, न कुछ नहीं बने अभी तक। देखिए, लोगों की अपनी परेशानियां हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके की आपके गांव में क्या समस्याएं हैं, अगर कोई वोट मांगने आपसे पास आए आप क्या कहेंगे? वोट मांगते समय तो सब कहते हैं बनाएंगे, फिर कब बनाया, किसने बनाया? 5 साल के बराबरी में ये पानी का हमें परेशानी है, पानी से कहाँ पानी आया, किसने करा? बड़े बड़े नेता आते हैं, कहते हैं कि करेंगे जरूर, कहाँ करा उन लोगों ने, ऐसा ही तो है सब। देखिए, पानी की बहुत ज्यादा परेशानी है, जो इस गांव के जो प्रधान है वो भी हमारे साथ में है। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से आप विधायक चुनते हैं, आपके गांव के लगातार लोगों का ये कहना है कि पेयजल की बहुत ज्यादा समस्या हुई, क्या आपके स्तर से कोई प्रयास उसमें हुए, अगर कमी रही तो किस स्तर से कमी रही और क्यों लोगों को पानी नहीं मिल पाया? हमारे स्तर से पानी के लिए बार बार प्रयास किए गए थे और इन 5 सालों में हमने विगत जो पहले के 5 साल थे तब कोई एक योजना बनी थी बेलौत मासू समूह पेयजल योजना थरकोट, तो वो जो योजना बनी थी इस 5 साल हो गए, जो 5 साल पहले बनी थी वो वैसी की वैसी है और 5 सालों में यहाँ कोई काम ऐसा कुछ ऐसा हुआ नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, सरकार बात करती है कि बेरोजगारी दूर करने की, क्या इस क्षेत्र की बेरोजगारी दूर हुई है, क्या आपको रोजगार मिला है और किस तरीके से नेताओं की बातों को आप समझते हैं और देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरा कहना यह है कि विगत वर्षों से जैसे कि युवा जो प्रशिक्षित युवा हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, लेकिन विगत 2-3 वर्षों से बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है, गांव वालों को पेयजल की समस्या है, सरकार उस ओर ध्यान नहीं देती है, सड़क की क्या स्थिति है आपके गांव में, सिंचाई की क्या स्थिति है, क्या इसकी वजह से लोग पलायन कर रहे हैं? जी सर, इसी की वजह से पलायन कर रहे हैं, सड़क बहुत ज्यादा खराब है यहाँ की, ये जो डामरीकरण हुआ ये भी बिल्कुल पाले के टाइम पे हुआ, इसकी वजह से सब रोड उखाड़ी है यहाँ की। देखिए, इस गांव की जो समस्याएं हैं, जो लोगों को लगता है जिस तरीके से हुक्मरानों को उनके लिए काम करना चाहिए था वो काम बिल्कुल भी नहीं हुआ, 2017 में पुनः दोबारा सत्तासीन उनसे रूबरू होंगे। अब पैमाना थरकोट की जनता तय करेगी कि उनका वोट किसको जाएगा और सूबे में एक नई सरकार बनेगी। पिथौरागढ़ के थरकोट गाँव से कोमल मेहता।